हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन आल्सो। फ्रेंड्स, एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सेवरल वीडियो एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द स्पोकन इंग्लिश सीरीज विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर। तो ये उसी सीरीज़ का एक वीडियो है। तो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड, बिगिनिंग विद द एन अनजस्ट परस्यूट। अनजस्ट मतलब बिल्कुल जो न्याय संगत नहीं है। परस्यूट मतलब किसी आदमी को लीगल वे में लेके आना या उसको उसके साथ खिलाफ केस लड़ना। जूलियन असांज एक ऑस्ट्रेलिया के जो एक साइट बना रखी थी इन्होंने, विकीलीक्स, उसके ये फाउंडर थे। तो ये बोल रहे हैं कि जूलियन असांज डिजर्व करता है। डिजर्व वर्ब के साथ एस लगा हुआ, तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस है। डिजर्व करता है, इसलिए ता है बीच में आया है, तो करता है फ्रीडम, नॉट परसिक्यूशन। नॉट परसिक्यूशन मतलब सजा, फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इन्वेस्टिगेशन जो छानबीन जर्नलिज्म करते थे उसको। द यूनाइटेड स्टेट रिलेंटलेस, रिलेंटलेस होता है परसिस्टेंट, लगातार। यूनाइटेड स्टेट का लगातार परस्यूट ऑफ जूलियन असांज, परस्यूट मतलब उसको कोर्ट में लेने का प्रयास। जूलियन असांज रिसीव्ड ए फ्लिप, रिसीव्ड मतलब उन्होंने क्या है, रिसीव किया ए फ्लिप। फ्लिप जैसे बैक फ्लिप जिमनास्टिक बच्चे मारते हैं, तो फ्लिप है कि मतलब केस बिल्कुल टर्न हो गया। आफ्टर द ब्रिटिश होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल गेव द गो अहेड टू एक्सट्राडाइट हिम। तो प्रीति पटेल ने उसको क्या दे दिया है, गेव, पास्ट टेंस है, तो गेव का ये सेकंड फॉर्म आई, तो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। गो अहेड मतलब उसने परमिशन दे दिया, एक्सट्राडाइट क्या होता है, बहिर्गमन करने के लिए अपने देश से, मतलब यूके से यूएस लाने के लिए। हिम टू द यूएस वांटेड फॉर क्रिमिनल चार्जेस, यूएस उसको चाह रहा था किस लिए, क्रिमिनल चार्जेस के लिए। विच इंक्लूड वायलेशन ऑफ द कंट्री एस्पियोनेज एक्ट ऑफ 1970, जो देश का उनके का 1917 का लॉ है जो जासूसी के खिलाफ, उसके थ्रू था वायलेशन। वायलेशन होता है उल्लंघन। मिस्टर असांज कुड फेस पनिशमेंट रेंजिंग अप टू 170 ईयर्स। तो कुड कैन किस पास्ट फॉर्म है कुड, तो मिस्टर असांज फेस कर सकते थे, क्या कर सकते थे, कुड फेस। मिस्टर असांज कुड फेस पनिशमेंट रेंजिंग अप टू 175 ईयर्स इन प्रिजन इफ़ कन्विक्टेड, अगर उनको कन्विक्टेड किया गया, इफ़ कन्विक्टेड किया जाता, मतलब वही कन्विक्टेड सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो कन्विक्टेड इन द यूएस द चार्जेस वर फ्रेम्ड अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। चार्जेस क्या फ्रेम किए गए थे उसके अंडर जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी। आफ्टर अक्यूजिंग हिम ऑफ, उसको अक्यूज करके, दोष लगा के, अक्यूज करना दोष लगाना, अक्यूजिंग हिम ऑफ कोलोबरेटिंग विद द यूएस सोल्जर चेल्सी मैनिंग, जिसका नाम था चेल्सी, हु पब्लिश क्लासीफाइड, जिसने पब्लिश किए थे क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन ऑन wikileaks.org। तो उस बंदे ने, चेल्सी ने, उसकी wikileaks जो है org उस पर उसने डॉक्यूमेंट, क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट पास कर दिए थे। और इसमें क्या सिस्टम होता था कि ये जो मतलब जो आज ब्रांच चेन बोलते हैं या जो आजकल बिटकॉइन चला हुआ है, वैसे ही उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती थी कि जो पोस्ट कर रहा उसके बारे में पता नहीं चलता था। तो wikileaks.org इसकी साइट थी, जूलियन असांज की, ऑस्ट्रेलिया के बंदे हैं। तो उसका जो यूएसए का जो सोल्जर है चेल्सी, उसका उसने पब्लिश कर दिया उसकी साइट पे, तो उसको सजा मिलने के बारे में है। द वेबसाइट रन बाय मिस्टर असांज, वेबसाइट चलाई जा रही थी किसके द्वारा, रन बाय, देखो आपको यह ध्यान रखना कि कोई भी काम कर रहे हैं, रन तो वैसे दौड़ना होता, बट वो चला रहे थे उसको, इसलिए रन की सेकंड फॉर्म रन। वेबसाइट रन बाय मिस्टर असांज, मिस्टर रन रेन रन, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। वेबसाइट रन बाय मिस्टर असांज, मिस्टर असांज इज द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू हैव बीन चार्ज, टू हैव बीन चार्ज, ये सीखने जैसी बात है, क्योंकि जो हैव बीन चार्ज, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिस्टर असांज जो पहले जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जिनको मतलब चार्ज लगाए जा रहे हैं, टू हैव बीन चार्ज अंडर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इरा एक्ट, क्योंकि जो 1914 से 1918 में हुई थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ये 1917 का एस्पियोनेज लॉ है, तो उसी के अंडर जो पहला है, ये पहली बात है, पहला बंदा है। आयरोनिकली मतलब बहुत भाई सोचने जैसी बातें हैं, ड्यूरिंग द टेन वॉर मतलब कॉल ऑफ मिस्टर ट्रंप प्रीडेसेसर मतलब होता है जो ट्रंप से पहले आया था, प्रीडेसेसर कौन आया था, ब्राक ओबामा यूएस प्रेजिडेंट, जो बाइडन वॉज द वाइस प्रेजिडेंट उस टाइम पे, वाइस प्रेजिडेंट जो बाइडन क्या थे, वाइस प्रेजिडेंट थे। द जस्टिस डिपार्टमेंट हैड कंक्लूडेड, जस्टिस जो उसका न्यायालय डिपार्टमेंट है, हैड कंक्लूडेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें क्या है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मतलब आप सोच लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जो जस्टिस डिपार्टमेंट कर चुका था, क्या कर चुका था, दैट इट वुड नॉट परस्यू, ये परस्यू नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, विल की सेकंड पास्ट फॉर्म आई है यहाँ पे, जैसे हम मान लो पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो भाई जो डिपार्टमेंट है वो
कह चुका था, जस्टिस डिपार्टमेंट हैड कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड कर दिया था दैट इट वुड नॉट परस्यू क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट मिस्टर अशांत। तो ये पास्ट में, ये पास्ट में तो ये विल का सेकेंड फॉर्म आया है, तो ये बोल रहे हैं कि वो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर पास्ट सेकेंड फॉर्म यहाँ लगा दिया। तो ये बोल रहे हैं कि भाई वो पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि भाई वो उसको क्रिमिनल चार्जेस के अंदर नहीं लेंगे। विकिलीक्स एज इट वुड पोज ए ग्रेव थ्रेट टू द कंट्री प्रेस। इट वुड, वुड कहाँ पे यूज होगा कि जो प्रोबेबिलिटी दिखा था आप श्योर नहीं हो। तो बोल रहे हैं कि एज इट वुड पोज ए, इस पोज मतलब रखेगा, ग्रेव थ्रेट, ग्रेव बहुत भयानक डर टू द कंट्री प्रेस फ्रीडम लॉज, यह है तो कंट्री के जो प्रेस फ्रीडम लॉज पे बहुत अटैक करेगा, पर्टिकुलरली द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूएस संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ था, दैट गारंटीज, जो गारंटी देता है किस चीज़ की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अपने आर्टिकल 19 में हुई। द केबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड बाई विकिलीक्स, जो डॉक्यूमेंट है या जो तार मान लो केबल्स, विकिलीक्स रिवील द सीवियर अब्यूज, सीवियर मतलब बहुत गहना अब्यूज ऑफ इंटरनल एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो जो इंटरनल हैं या ह्यूमैनिटेरियन लॉ थे उनका वायलेशन हो रहा था, उन्होंने लीक कर दिया, उसको रिवील उजागर कर दिया। द एक्सेस एंड क्राइम्स कमिटेड इन इराक एंड अफगानिस्तान बाई द यूएस गवर्नमेंट अमंग अदर्स, तो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा जो अफगानिस्तान ईरान में जो परसिक्यूशन किया गया तो उसके बारे में जो बात थी वो विकिलीक्स पे आ गई। बिसाइड्स साइनिंग एलाइट, बिसाइड्स मतलब इसके साथ में, क्या इसके साथ में क्या कर रहे थे, साइनिंग एक लाइट मतलब किसी प्रकाश डालना ऑन द इनर वर्किंग ऑफ द एलीट इन डेमोक्रेसी, जो एलीट ग्रुप हैं बहुत वीआईपी ग्रुप हैं उनका जो रोल है डेमोक्रेसी में, एंड ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट से जो पर्टिकुलर बंदे की रहती है ऑटोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने ये बात की अक्रॉस द वर्ल्ड। द डिप्लोमेटिक केबल्स इन पर्टिकुलर इनिशियली रिलीज आफ्टर द केयरफुल रिडक्शन, तो बोल रहे हैं कि डिप्लोमेटिक जो केबल हैं तार हैं मतलब यही है कि भाई जो कनेक्शन है इन पर्टिकुलर इनिशियली रिलीज आफ्टर केयरफुल रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है कि छटनी के बाद, केयरफुल रिडक्शन बाय मीडिया और ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स वेंट ऑन टू फॉर्म द बुलवार्क। बुलवार्क मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे राजा अपनी दीवार चारों तरफ दुर्ग की दीवार बनाते थे वैसे ही एक मजबूत चीज़ है, फॉर्म द बुलवार्क ऑफ द लार्ज रेपोटरी। रेपोटरी क्या होता है कि भाई पूरा भंडार है, लार्ज रेपोटरी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव जनरल जर्नलिज्म। तो ये जो क्या है डॉक्यूमेंट थे वेंट ऑन द फॉर्म ऑफ द बुलवार्क, बुलवार्क मतलब एक मजबूती स्थिति के लिए थी, लार्ज रेपोटियर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो उसका भंडार थे, इन्वेस्टिगेशन या उसका सीरीज में काम हो रहा था, रेपोटियर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन ए रैशनल वर्ल्ड। रैशनल वर्ल्ड जहाँ पे अच्छा बुरा सोचा जाता है, द परपिटेटर, परपिटेटर होता है जो मतलब परसिक्यूशन करने वाला, किसी को सताने वाला, ऑफ द एक्सेस, एक्सेस मतलब अपने जो ज्यूरिसडिक्शन से आगे चला जाता है, रिवील्ड बाय विकिलीक्स वुड हैव बीन परस्यूड फॉर द जस्टिस। तो वुड हैव बीन, वुड हैव बीन सीखने की बात है कि भाई जब आप मान लो पीछे के टाइम पे कोई बात कहते हैं कि भाई ये हो सकता था, अगर आप आ जाते तो आप मुझसे मिल सकते थे, यू वुड हैव मेट मी, तो वैसे ही वुड हैव बीन, तो ये किया जा सकता था कैसे, विकिलीक्स वुड हैव बीन परस्यूड फॉर जस्टिस, तो इसको जस्टिस के न्याय के लिए इसका किया जा सकता था। वाइल मिस्टर असांज वुड हैव बीन रिलीज फ्रॉम हिज हार्श एंड एक्सटेंडेड स्टे इन ब्रिटिश प्रिजन, जबकि मिस्टर असांज को छोड़ा जा सकता था, वुड हैव बीन रिलीज, छोड़ा जा सकता था फ्रॉम हिज हार्श एंड एक्सटेंडेड स्टे इन द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश जेल में रहा, येट द डॉग परस्यूट, डॉग मतलब मजबूत, जो बिल्कुल सोचा रखा है कि डर्ड है अपने फैसले में, येट द डॉग परस्यूट ऑफ मिस्टर असांज हैज़ बीन रिन्यूड बाई बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको क्या है दोबारा से रिन्यूड कर दिया गया, नवीनीकरण कर दिया गया। द ओनली गारंटी दैट इट हैज़ प्रोवाइडेड, इट एक गारंटी प्रोवाइड की कर चुके हैं मतलब क्या, इज़ दैट इट विल नॉट होल्ड हिम इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, तो वो उसको ज़्यादा मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में नहीं रखेंगे, विच हैज स्ट्रिक्ट कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट मतलब किसी को रोक के रखना, कन्फाइनमेंट रूल्स नहीं होंगे, दैट इफ़ कन्विक्टेड अगर उसको सज़ा मिली तो, ही कुड सर्व हिज सेंटेंस इन हिज नेटिव ऑस्ट्रेलिया इफ़ ही रिक्वेस्टेड इट, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसको वहाँ आपके ऑस्ट्रेलिया देश में भी सजा काटने के लिए बोल दिया जाएगा। इट्स पोजिशन रनस काउंटर टू इट्स स्टेटेड एम टू ब्रिंगिंग द यूएस बैक टू द फोर फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसीज, तो बोल रहे हैं कि इसकी पोजिशन रनस काउंटर, तो अपोजिट में चल रही है, काउंटर मतलब अपोजिट में, टू इट्स स्टेटेड एम ऑफ ब्रिंगिंग द यूएस बैक टू द फोर फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी, तो जो ऐसे बात कही है कि जो डेमोक्रेसी है इसको फोर फ्रंट में ले जाने की बजाय पीछे ले जाएगा वर्ल्ड डेमोक्रेसीज में, दैट प्रमोट वैल्यूज एनश्राइंड, एनश्राइंड मतलब सम्मिलित है जो वैल्यूज एनश्राइंड इन द वेस्ट एज ए प्योटल, प्योटल मतलब बहुत मजबूत इंपॉर्टेंट
सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अकॉर्डेड टू द प्रेस, जो प्रेस को फ्रीडम प्रोवाइड की गई वो सब्जेक्टिंग मिस्टर असांज टू ट्रायल विल बी ए ब्लो अगेंस्ट मीडिया फ्रीडम इन द US। तो बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिंग ये चीज़ें क्या है, इसको मद्देनजर रखते हुए मिस्टर असांज टू ट्रायल विल बी ए स्लो ब्लो, ब्लो मतलब एक झटका लगेगा अगेंस्ट मीडिया फ्रीडम इन द US एंड विल आल्सो क्रिमिनलाइज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जो इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता करते हैं उनके लिए क्या है, एक खतरा है। पर्टिकुलरली वन इज़ दैट पॉइंटेड आउट दैट इनर वर्किंग ऑफ द डीप स्टेट। डीप स्टेट क्या होता है, जहाँ पे मान लो कोई दो गवर्नमेंट पैरेलल में चल रही हैं, जैसे पाकिस्तान का डीप स्टेट का माना जाएगा क्योंकि एक तो गवर्नमेंट चली रही है उनकी, दूसरी क्या साइड में उनकी गवर्नमेंट चल रही है किसकी, जैसे वहाँ पे आर्मी का चलता है वैसे ही जो जहाँ पे इनर कुछ होता है। तो ये बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली व्हाट इज दैट पॉइंट इनर वर्किंग ऑफ द डीप स्टेट, मिस्टर असांज, असांज का जो रिप्रेजेंटेटिव है हैव फाइल्ड एन अपील बिफोर द ब्रिटिश हाई कोर्ट। मिस्टर असांज का जो वकील है रिप्रेजेंटेटिव, उसने फाइल कर दी है कहाँ पे, ब्रिटिश हाई कोर्ट में विद द प्रेजेंट लेबर पार्टी लेड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, या जो भी प्रेजेंट में लेबर पार्टी नेतृत्व कर रही है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट में। मिस्टर असांज रिमेंस एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, मिस्टर असांज क्या है एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। आल्सो एक्सप्रेसिंग इट्स एक्सप्रेस किया उन्होंने इट्स डिसप्लीजर, डिसप्लीजर मतलब ना खुश होना एट द कंटिन्यूड परस्यूट, द ओनस इज ऑन द ब्रिटिश जुडिशरी टू डू राइट बाई हिम। तो दायित्व है जो उसका पूरा ब्रिटिश की गवर्नमेंट पे है, जुडिशरी पे है। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये बंदे को निकालना चाहते हैं USA वाले वहाँ से, और अभी ये इसने क्या था, इस पे पहले केस चला हुआ था, तो ये इक्वाडोर की एम्बेसी में जाके उसने जो वियना कन्वेंशन है कि भाई कोई भी बंदा किसी की एम्बेसी में नहीं घुस सकता, एक्वाडोर उसमें यहाँ पे इसने असाइलम ले रखा था, असाइलम क्या होता है शरण ले रखी थी। आई होप आपको समझ में आएगा। तो लेट्स जंप टू द वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब जो लगातार है, नॉट स्टॉपिंग चेंजिंग, द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम, जो लगातार फाइट है लड़ाई है अगेंस्ट क्राइम के। सेकेंड है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है कि भाई जो प्रोसेस ऑफ एडिटिंग टेक्स्ट और पब्लिकेशन, व्हाट वाज लेफ्ट आफ्टर द रिडक्शन वुड बी वर्चुअली यूजलेस, वर्चुअली मतलब बिल्कुल काल्पनिक तौर से यूजलेस रहेगा। बुलवार्क, बुलवार्क का मतलब होता है कि डिफेंसिव वॉल, द शिप मेट देयर क्रूज लाइनिंग द बुलवार्क। रेपोर्टर का मतलब होता है कोई संग्रह, गानों का संग्रह जो होता है, या फिर मतलब कोई ऑल द थिंग्स इन एबल टू डू, जो आदमी सब काम कर सकता है, वे सब जो काम जो व्यक्ति कर सकता है उनको भी रेपोर्टर बोलते हैं। डॉग्ड है बिल्कुल पक्का उसका, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज डॉग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। That is all for today. I will come tomorrow. Bye.